दिन हो गए थे दोस्तों, मैंने अपने लव बर्ड की भी बॉक्स की चेकिंग नहीं की है। चले आपको भी दिखाता हूँ और खुद भी देख लेता हूँ अंदर की क्या माजरा है, ठीक है ना भाई? क्योंकि दोस्तों मैं काफी दिन से देख रहा हूँ मादी जो है ना फिर से भाई ये बॉक्स के अंदर जाके ना काफी देर तक बैठ रही है। तो मुमकिन है दोस्तों ये हो सकता है कि हमारी मादी ने दोबारा से एग वैग दिए हैं और माशाल्लाह एक बेबी तो देखें इसका काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। और अभी इसका बॉक्स निकालते हैं और चेक करते हैं भाई के अंदर की क्या मामला है, ठीक है ना भाई? आ जाए यहाँ रख देते हैं थोड़ी ऊंची जगह पे ताकि सही नज़र भी आए हमें भी। और ये देखें चूहिया के काम देखें दोस्तों कितनी गंदगी की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, माशाल्लाह 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 दोस्तों हमारे लव बर्ड ने माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों ये देखें चेक करें 1, 1, 2, 3 तीन बच्चे निकाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। और एक अंडा मेरे ख्याल में इसने ख़राब किया हुआ है। कहाँ चढ़ के बैठे हो मेरे भाई, ये उतर जाओ यार। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अभी नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा यार हम इसको दोस्तों तंग नहीं करते हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। अभी देख रहे हैं आप, चेक करें ज़रा। तो भाई मादी जो है ना दोस्तों अच्छे से भाई इनको पाल लेगी। तो भाई बॉक्स को ना हम लोग वापस लगा देते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों तीन ही बच्चे दिए हैं। अब अच्छी बात दोस्तों ये है भाई ये तीनों को मतलब फर्टाइल अच्छे से पाल ले यार, क्योंकि पिछली दफ़ा इसने एक ही बच्चा निकाला था इतने सारे अंडों में से ना। चलो भाई इसको वापसी लगा देते हैं फटाफट हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज मैंने दोस्तों सोचा है कि अपने दोनों कॉकटेल्स को हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। क्योंकि यार दोस्तों जब से मैं लेके आऊँ ना यार ये कॉकटेल जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा खुजा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहे हैं। तो मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इनको भाई वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा है दोस्तों आज इनको भाई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और अच्छे से इनकी प्रॉपर एक वैक्सीनेशन कराएंगे और जो डॉक्टर बोलेंगे उस हिदायत पर हम भरपूर अमल भी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे कॉकटेल जो है ना बड़े हो गए, हमारे बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर केज में ना घूमते फिरते रहेंगे। अभी भी खैर ये घूमते हैं मगर दोस्तों ये थोड़े फ्लाई कम करते हैं क्योंकि ये हैंड टैम है। तो भाई इंशाल्लाह दोस्तों थोड़े दिन बाद ये फुल हैंड टैम हो जाएंगे ना तो भाई बहुत अच्छे लगेंगे हमारे यहाँ पे मिनी जू में खुले हुए। तो मैंने यही सोचा है उनको खोल के रखेंगे। और हम दोस्तों बहुत अच्छे से यार मेरे फल भी गए हैं, अभी देखे जरा से भी नहीं हिल रहे हैं क्योंकि यार मैं डेली इनको दोस्तों बहुत अच्छा सा टाइम देता हूँ, मतलब सुबह एक घंटा देता हूँ और शाम में यार इनको पूरा एक घंटा मैं लगाता हूँ। अब यार मेहनत तो करनी पड़ती है। मैंने भाई छोटे वाले केस से बिल्कुल कॉकटेल्स को निकाल के ना दोस्तों अपने बड़े वाले केज में रख दिया है। ये आप देखें दोस्तों चेक करें कि मैंने भाई अपने कॉकटेल्स का पूरा पिंजरा जो था ना पूरी तरह मतलब पैक कर दिया है। वो इसलिए किया है दोस्तों ताकि इन पर धूप भी ना असर कर सके और जो है बारिश का पानी अगर आता भी है तो वो भी हमारे कॉकटेल्स को परेशान ना कर पाए। और हम दोस्तों हमारे कॉकटेल जो है भाई इस बड़े वाले पिंजरे में ना सेट भी हो गए हैं। यार एक कॉकटेल जो है ना दोस्तों ये वाला जो हमारा क्रीम वाला कॉकटेल है यार ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है, इसको पता नहीं क्या हुआ यार। मैं इतना पकड़ने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ मगर ये ना मेरे मुझे देख के ना भागता रहता है, हाथ में नहीं आता है बिल्कुल भी। और ये जो हमारे वाइट वाले इनो कॉकटेल है दोस्तों ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से भाई हैंड टैम हुए हुए और बिल्कुल भी बाइट साइड नहीं करते और हैंड पे भी आराम से देखें बैठ जाते हैं। देखें चेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल असली के साथ बैठ जाते हैं। अभी मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाता हूँ, देखें ये हो गया ठीक है ना। चलो भाई तुम यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ कॉकटेल, वेरी गुड। बस जैसे ही दोस्तों मैं इनको सामने रखता हूँ ना ये फ़ौरन जाके लव बर्ड के पिंजरे पे चिपक जाते हैं। और यकीन करें ये लव बर्ड जो है दोस्तों हमारे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं भाई, तो इनको डर भी लगता है यहाँ पे रखते हैं मुझे भाई। चलो भाई कॉकटेल तुम इस पर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भैया कहाँ भागे जा रहे हो, उनको भी तुम डरा रहे हो यार, वहाँ कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ पे, वेरी गुड। ये बात क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। चलो तुम इनके साथ ही बैठ जाओ ठीक है। अच्छा भाई ने कहा था दोस्तों कि हमारे दोनों कॉकटेल्स जो है ना फीमेल और मेल है। खैर मुझे तो इतनी दोस्तों पहचान नहीं है लेकिन भाई से भाई मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला भाई कंफर्म तकरीबन अभी तो यही बता रहे हैं कि दोनों मेल और फीमेल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दोनों अच्छे से भी रहते हैं, मतलब लड़ते झगड़ते नहीं हैं और एक दूसरे का बगैर रहते भी नहीं हैं। तो भाई मुझे ये लगता है वाकई दोस्तों ये मेल और फीमेल का ही पेयर है। और अगर मेल और फीमेल है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है भाई कि हमारे पास एक पेयर बन जाएगा और इससे हम फिर ब्रीडिंग भी करवाएंगे ठीक है ना भाई। चलो भाई चलो चलो भागो भागो भागो।
तो दोस्तों जब से हमारा मुर्गा एक मरा है ना यार, हमारे जो गब्बर है दोस्तों भाई, ये पूरे मतलब मिनी जू बना और सारी मुर्गियों का दोस्तों बदमाश बन गया है। अब भाई ये सिर्फ जो है ना मतलब बदमाशी करता है बस, क्योंकि पहले मुर्गा था ना वो लड़ाई करता था, और अब जो ये वाला है भाई ये बदमाश बना हुआ है और सारी मुर्गियों को हमारी तंग करता रहता है। हाँ भाई कैसी हो, आ जाओ कॉकटेल, आ जाओ आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, सही है, थोड़ा सा धूप में बैठ जाओ तुम, ठीक है आ जाओ भाई। तो दोस्तों ये देखिए यार, ये मुसलसल दोस्तों भाई ये ना खुजाता है अपने आप को ना, तो यार इसकी मेरे को बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये हमारे और बर्ड्स को ना लग जाए कहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ कॉकटेल, क्यों डर रहे हो यार, आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ पे, वेरी गुड, आ जाओ, चलो डर क्यों रहते तुम। हाँ कभी कभी तुम इतने अच्छे से आ जाते हो और कभी कभी तुम इतना डरते हो। चलो जाओ जाओ यहाँ पे खेलो, यहाँ छोड़ दूँ तुम्हें भाई। इसको भी दोस्तों दिल नहीं कर रहा है अंदर जाने का केज में ना, देखिए चलो चलो खेलो, जाओ 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 जाओ, दरवाज़ा तो बंद है, कैसे खाओगे, ये देखिए ज़रा ये खाना खाने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ से मैंने दरवाज़ा ही बंद किया हुआ है। अंदर जाओगे, रुक जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ भाई, तुम्हें भेज रहा हूँ, आ जाओ मेरे हाथ पे, दोबारा से आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ, चलो जाओ केज में चले जाओ अंदर, और यहाँ पे जाके आराम से सीट वीट खाओ तुम अपनी, ठीक है। चलो भाई तुम कहाँ, चल तुम कहाँ उड़ दिए, ये देखें जरा फौरन फौरन दोस्तों, देखिए मैंने अभी उसको रखा है ना अंदर, तो ये भी फौरन पीछे से भाई ये वाला कॉकटेल भी हमारा आ गया है। तुम भी जाओगे अंदर, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा मैं अंदर, अभी अभी तुम्हें मैं टेम करना है, तुम्हें अभी टेम करना है, इधर आओ मेरे पास, मेरे हाथ से आओ, हाथ से आओ, वेरी गुड। तुम अभी कहाँ जा रहे हो अंदर, अभी तो तुम्हें टेम करना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी ना मुझे कॉकटेल्स की मतलब सिंगिंग लगती है, और बहुत अच्छे से दोस्तों बोलते भी हैं। अभी कहाँ जा रहे थे अंदर भाई, ये उड़ गया ना बस, इनको खाली यही जगह मिलती है, इनके पास ना आया करो यार, ये बहुत खतरनाक है, इन्होंने कितनों को तो मार दिया है भाई, ये बड़े डेंजर है भाई ये। आ जाओ मेरे हाथ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, ओ माय गॉड इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। तो दोस्तों हमारा कॉकटेल भाई अच्छे से मेरी बात भी अब समझने लगा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका, ये देखिए आ जाओ कॉकटेल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ पे, आ जाओ मेरे हाथ पे, आ जाओ यार क्यों डर रहे हो, आ जाओ। मतलब ये जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा नखरे करता है, बाकी हमारे दूसरा कॉकटेल है वो बहुत अच्छे से, ओ भाई वहाँ पे नहीं जाओ, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तुम्हारे से, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे तुम्हारे से वो लोग ना डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आ जाओ आ जाओ हाथ पे, आ जाओ वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो इनसे मिलो। तो दोस्तों ये भी हमारे बजीज के जो बच्चे हैं ना दोस्तों भाई, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों भाई बहुत ज़्यादा काटने पीटने लग गए भाई, इतने इतने से हैं, और जरा इनकी हरकत देख रहे हैं आप, ये देखें 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 देख रहे हैं आप ये, तो इसके भी इंडिया खोलते हैं और चेक करते हैं क्या अंदर ये पोजीशन है। तो दोस्तों फाइनली भाई हमारे इस वाले पेयर ने भी अंडे ही दिए हुए हैं, और अच्छे से भाई ये एगलिंग पे बैठी हुई है अपनी ना, मतलब बैठे रहो, चलो भाई वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, अब तो मैं वापस में छोड़ देता हूँ केज में, ठीक है ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये देखें दूसरा वाला तो हमारा खाने पीने में लगा हुआ है, अब तुम भी जाओ अच्छे से खाना वाना खाओ, ठीक है चलो, ये तुम्हारा केज खुल गया है, ठीक है अब तुम अंदर जाओ, चलो जाके अच्छे से घूमो फिरो, स्टिक पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक कर लें, चैनल को दोस्तों जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।